ओ का मतलब है करेक्ट, शिन का मतलब है नीडल, उस नीडल को पकड़ के रखना, और कैन का मतलब है कंट्रोल कि मैं वहां जा रहा हूँ कार्तिक बेटा, और री का मतलब है मैं वहां क्यों जा रहा हूँ रीजन। तो होशिन हो गया मेरा कंपास डायरेक्शन, कैनरी हो गया मेरा मैनेजमेंट। जब मेरा कंपास डायरेक्शन और मेरा मैनेजमेंट सब का सब अलाइन होकर के एक दिशा में चल रहे होंगे।